लॉकडाउन के तीसरे चरण में दूसरे प्रदेशों से श्रमिकों को वापस अपने प्रदेश में आने के लिए सिलसिला उनका जारी है। रेलवे स्टेशन पर सोमवार को 6 गाड़ियां आनी हैं, जिनमें से 3 ट्रेनों का आगमन हो चुका है। यह श्रमिक स्पेशल ट्रेन सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद, लुधियाना और भावनगर से आ रही है। सभी यात्रियों को अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंचाने के लिए रेलवे स्टेशन पर SDM सदर रेलवे के उच्च अधिकारी के नेतृत्व में श्रमिकों को थर्मल स्कैनिंग व सोशल डिस्टेंसिंग के तहत रोडवेज की बसों में बिठाकर उनके गंतव्य के लिए रवाना कर रहे हैं। वहीं श्रमिकों को जिला प्रशासन द्वारा खाद्य सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है। इस बारे में मीडिया कर्मियों को और अधिक जानकारी देते हुए SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। और 3 ट्रेन और आनी है और शायद एक ट्रेन और झांसी से है, उसको तो कंफर्मेशन नहीं आया है, वो भी शायद आ सकती है। तो टोटल 7 ट्रेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि इस ट्रेन में देखते हैं इस ट्रेन में लगभग 1500 के ऊपर लोग आए हैं। पहले की संख्या 800 हुआ करती थी, अब वो बढ़कर 1400 से 1500 हो गई है और उनको बसों के माध्यम से भेजा जा रहा है। संख्या में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, लिस्ट में 1200 की आती है, 1100 की आती है, लोग आते हैं के पे 1500-1600। तो इसको करने के लिए हमें अधिक पैसे लगानी पड़ रही हैं, अधिक लोग लगाने पड़ रहे हैं ताकि कम परेशानी हो सब लोग आ रहे हैं। अब इसी जनपद जिसमें इस ट्रेन में लगभग 60 जनपदों के लोग आ रहे हैं, इसमें 50 जनपदों के लोग आ रहे हैं। गोरखपुर को बहुत बड़ा हब बना दिया गया है, इसमें जैसे कासगंज, एटा, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पश्चिम के जिले सभी लेके और बुंदेलखंड के ललित